एक समय था जब उत्तराखंड की बेटियां सिर्फ घरों की चार दीवारी तक ही सीमित थी, लेकिन अब वो समय आ गया है जब प्रदेश की बेटियां पुरानी बेड़ियों को तोड़ते हुए हर क्षेत्र में वर्चस्व प्राप्त कर रही हैं। आज हम आपको चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक की रहने वाली एक ऐसी बेटी से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण कर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मुकाम हासिल किया है। बता दें कि चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के गुमदेश की रहने वाली होनहार बेटी कल्पना ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण कर तीसरी रैंक हासिल की है, जिसके चलते वह असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है। कल्पना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही उत्तीर्ण की। इसके पश्चात उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा GGIC लोहाघाट से उत्तीर्ण करने के बाद स्नातकोत्तर तक की शिक्षा लोहाघाट महाविद्यालय से उत्तीर्ण की। सबसे खास बात तो यह है कि कल्पना ने घर पर ही नेट की तैयारी कर इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। वर्तमान समय में कल्पना लोहाघाट महाविद्यालय की डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी के दिशा निर्देश में PhD कर रही हैं। कल्पना के पिता निर्मल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इजड़ा में सहायक अध्यापक हैं, जबकि उनकी माता मुन्नी देवी राजकीय प्राथमिक विद्यालय कॉलोनी में सहायक अध्यापिका हैं। इसके अलावा कल्पना के पति हिमांशु राजकीय पॉलिटेक्निक ताकुला में लेक्चरर के पद पर तैनात हैं। कल्पना ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, सास ससुर और पति को दिया है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।